नमस्कार, आज हम सीखेंगे मस्ट हैव का प्रयोग। मस्ट हैव का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे मस्ट हैव। मस्ट हैव का प्रयोग में हमें अवश्य छिपा रहता है, फ्यूचर में होगा, इस तरह से आता है। तो पहला सेंटेंस ये है, देखिए, ही मस्ट हैव गॉन देयर, वह वहाँ अवश्य गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन देयर, वह वहाँ अवश्य गया होगा। यहाँ पर देखिए, जब मस्ट आता है तो यह कार्य हो चुका रहता है। हम ऐसा सोचते हैं कि यह हमारे भूतकाल में ऐसा हो चुका है, तो मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। ये मेन डिफरेंस है बाकी के, जैसे माइट हैव में और मस्ट हैव में क्या अंतर है। यहाँ पे मस्ट हैव लगाने का मतलब डेफिनेटली श्योर, अवश्य, यह कार्य अवश्य हुआ होगा, तो वहाँ पे ये प्रयोग करते हैं। क्योंकि मस्ट की जो मीनिंग ही होती है वो नेसेसिटी को दर्शाता है। कहीं भी मस्ट का प्रयोग होगा तो नेसेसिटी को दर्शाता है। कुछ लोग इस मीनिंग को भूल करके गलत ट्रांसलेशन कर देते हैं और वह काम नहीं हुआ होगा ऐसा सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस पे ध्यान दें कि मस्ट हैव का प्रयोग वही होगा जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि यह डेफिनेटली हुआ होगा। तो देखो, वह वहाँ गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन देयर। ठीक इसी तरह से एक अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर दो में क्या है, ही मस्ट हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र अवश्य लिखा होगा। ही मस्ट हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र अवश्य लिखा होगा। देखो, मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं जो प्रीवियस सेंटेंस में मैंने बताए थे, ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि अलग अलग सेंटेंस बनाने से आदमी कंफ्यूज होता है। अगर एक सेंटेंस के पैटर्न पे अगर वो समझता है तो उसको आसानी से समझ में आती है। इसलिए मैंने ये सेंटेंस सेम रखा है क्योंकि इसको समझने में आसानी हो। देखो, वह एक पत्र अवश्य लिखा होगा, हम अवश्य हैं, श्योर हैं, तो ही मस्ट हैव रिटन अ लेटर, ऐसा बोलेंगे और सोचेंगे कि हाँ, ये श्योर है। अवश्य नहीं भी बोलोगे, वह एक पत्र लिखा होगा, अगर हम श्योर है तो ही मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। वह एक पत्र अवश्य लिखा होगा, ही मस्ट हैव रिटन अ लेटर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क, तुम यह कार्य अवश्य किए होगे, तुम यह कार्य अवश्य किए होगे, यू मस्ट हैव डन दिस वर्क। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं, राम मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, राम अवश्य क्रिकेट खेला होगा, राम अवश्य क्रिकेट खेला होगा, राम मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। जहाँ पे अवश्य आएगा, श्योरिटी आएगी, नेसेसिटी आएगी, और हम ये सोच रहे हैं कि ये हो चुका होगा, वहाँ पे हम ऐसा मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझे। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दिखाता हूँ मैं, दे मस्ट हैव लर्न हिंदी, दे मस्ट हैव लर्न हिंदी, वे अवश्य हिंदी सीखे होंगे। दे मस्ट हैव लर्न हिंदी का मतलब क्या होता है, वे अवश्य हिंदी सीखे होंगे। इसका मतलब यही है, जहाँ भी नेसेसिटी हो, जहाँ भी और श्योरिटी हो कि एक्शन कंप्लीट हुआ है, जो तुरंत मस्ट हैव का प्रयोग करो। अगला एग्जाम्पल देखें, ही मस्ट हैव मेट राम, ही मस्ट हैव मेट राम, वह अवश्य राम से मिला होगा, ही मस्ट हैव मेट राम। देखें, यहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग किया गया है, हैव का प्रयोग किया गया है, और वह राम से मिला होगा। यहाँ पे नेसेसिटी है, श्योरिटी है, इस बात को बताने के लिए हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। आगे का सेंटेंस देखिए,
मोहन मस्ट है बॉट अ कार। इस सेंटेंस में हमें यही ज्ञान मिलता है, मोहन अवश्य एक कार खरीदा होगा। मोहन एक कार अवश्य खरीदा होगा। मोहन मस्ट है बॉट अ कार। इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर भी एक्शन कंप्लीटेड दिखा रहा है। अगला देखो, यू मस्ट हैव हर्ड दिस स्टोरी। तुम इस कहानी को अवश्य सुने होगे। तो जब भी हम बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, वह वहाँ गया होगा, ऐसा सुना होगा, तुम लिखे होगे, अवश्य डेफिनेटली, तब हम मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। अगर श्योरिटी नहीं है तो पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ माइट हैव का प्रयोग करूँगी। ये मस्ट हैव का सेंटेंस ऐसा है कि यहाँ पे बहुत से लोग आके गड़बड़ कर देते हैं। कुछ लोग इसे दूसरे तरह से बना देते हैं इसका अर्थ, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, होने के लिए बोलते हैं। तो ये जो है आप मैक्सिमम ग्रामर में आप ये पाओगे और यही पैटर्न पाओगे कि नहीं, मस्ट हैव जहाँ पे है वहाँ पे कंपल्सन है, नेसेसिटी है, ये चीज़ होना ही चाहिए, हुआ होगा ऐसा, तो वहाँ पे हम इस तरह से ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो ये मैंने इतने एग्जांपल दिए, इस एग्जांपल से आपको आइडिया आ गया होगा कि मस्ट हैव का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।